हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो के न्यू स्मार्टफोन के बारे में। जैसा कि हमने कल इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे इसका नाम निकल के आ चुका है। इसका नाम जो है होने वाला है वो टेक्नो स्पार्क पावर होने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल के आने वाला है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि इसकी बैटरी जो है 6000 mAh की थी, और यहाँ पे हमें इसका प्राइस भी पता चल चुका था जो कि 8499 रुपये था। और यहाँ पे अब इसके हम बात करने वाले हैं फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके वेरिएंट की, वो हमें 4/64 GB का वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर ये हमें 8499 रुपये में ही देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले हमें अमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन जो है वो हमें HD+ का ही देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, जैसे कि 6000 mAh की बैटरी के साथ में फास्ट चार्जिंग का भी ये सपोर्ट करने वाला है। और अगर इसके डिस्प्ले के साइज़ की बात करें, वो हमें 6.35 इंच की डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे ये अमोल्ड स्क्रीन होने वाली है, और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी कम होने वाला है। और बात करें इसके सेल्फी कैमरे की, वो हमें 13 MP का देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा कैमरा ये निकल के आने वाला है। और यहाँ पे अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, और यहाँ पे प्रोसेसर का इन्फिनिक्स स्मार्टफोन की ही तरह इसमें हमें हीलियो P22 का ही प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि अपने सेगमेंट में ठीक ठाक प्रोसेसर ही लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा हाई ग्राफिक्स की गेमिंग देखने को नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर बैक की बात करें इसके, इसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो कि 13+8+2 MP का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करें फिंगरप्रिंट की, वो हमें बैक पर ही देखने को मिलने वाला है। तो इतना सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला 8499 रुपये में।